अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसाम अहमद है और मैं SJWG से बात कर रहा हूं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और मेरी वीडियो का टॉपिक है कि एक ही कैंडलिंग कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि कैंडलिंग होती क्या है, कैंडलिंग कैसे करते हैं, कैंडलिंग कब करते हैं और कैंडलिंग करना क्यों ज़रूरी है। आपको मैं बताना चाहूँ सबसे पहले कि कैंडलिंग होती क्या है। असल में कैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए हम रोशनी की मदद से, यानी कि हम एक के ऊपर लाइट मारते हैं और लाइट की मदद से देखते हैं कि एक के अंदर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ है या नहीं, आया कि एक जो हमारे बर्थ ने दिया है वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, या उसके अंदर जो चिक्स है एक के अंदर वो डेडली शेल हो गया है या चिक बिल्कुल सही हालत में है। ये सब हमें मालूमात एक की कैंडलिंग से हासिल होती है। कैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अगर आप अपने बर्ड्स के एक की कैंडलिंग करेंगे तो इससे आपका टाइम बचेगा। हमें आमतौर पर कैंडलिंग 5 दिन के बाद करनी चाहिए, जब बर्ड्स आपका एक के ऊपर बैठना स्टार्ट कर दे। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि बर्ड्स एक के ऊपर बैठ रहा है या नहीं? आप जब भी अपने ये देखेंगे कि आपके बर्ड्स ने एक दे दिया है तो आप उस एक को हाथ लगा के ऐसे चेक करिएगा, या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आप ऐसे चेक करेंगे, अगर आपके बर्ड्स का एक गर्म है तो इसका मतलब है कि बर्ड्स ने एक के ऊपर बैठना शुरू कर दिया है। अगर वो ठंडा है इसका मतलब है कि बर्ड्स एक के ऊपर नहीं बैठ रहा। हम कैंडलिंग करते ही जब हैं, जब बर्ड्स एक पे बैठना स्टार्ट कर दे और उसको एक पे बैठते हुए कम से कम 5 से 6 दिन गुजर जाए, उसके बाद हम कैंडलिंग करते हैं फर्स्ट टाइम। अब दो तरह के बर्ड्स अमूमन पाए जाते हैं। एक तो वो बर्ड्स होता है जो कि फर्स्ट जब एक देगा तो फर्स्ट एक से ही एक के ऊपर बैठना स्टार्ट कर देता है। दूसरे टाइप का बर्ड वो होता है कि वो जब मुकम्मल सारे एक दे देगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी बर्ड ने 4 एग देने हैं तो वो 4 एग देगा, उसके बाद बैठना स्टार्ट करेगा। किसी बर्ड ने 5 एग देने हैं तो 5 एग देगा, उसके बाद एक के ऊपर बैठना स्टार्ट करेगा। तो ये 2 किस्म के बर्ड होते हैं। हम ये देखेंगे हमारे बर्ड की टाइप है कौन सी, आया कि वो फर्स्ट एग के बाद ही एक के ऊपर बैठना स्टार्ट कर दिया है या वो सारे एग देने के इंतजार कर रहा है, फिर जब उसने सारे एक दे दिए उसके बाद वो एक के ऊपर बैठ रहा है। हम कैंडलिंग करते जब हैं जब वो बर्ड एक के ऊपर बैठना स्टार्ट कर दे, उसके 5 से 6 दिन बाद हम एक की कैंडलिंग करते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि एक की कैंडलिंग कब करनी चाहिए, आपको ये भी मालूम हो गया कि कैंडलिंग होती क्या है। अब कैंडलिंग करना क्यों जरूरी है दोस्तों? कैंडलिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि मिसाल के तौर पे आपका बर्ड एक तो दे देता है लेकिन उसके सारे एग अनफर्टाइल हैं, वो एक के ऊपर बैठ तो रहा है लेकिन उसके सारे एग अनफर्टाइल हैं, तो इससे आपका टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि वो 21 दिन तक तो एक के ऊपर बैठेगा, बहुत से बर्ड 25 दिन तक बैठते हैं तो अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे एक के ऊपर बैठ के। लेकिन जब वो अनफर्टाइल है तो कितने भी एक के ऊपर बैठे उसके अंदर चिक्स तो निकलने नहीं है, तो इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, एक की कैंडलिंग करेंगे, एक बर्ड ने एक दिया उसके 4 से 5 दिन बाद आप एक की कैंडलिंग कर लें, आपको उससे पता लग जाएगा कि आपके बर्ड्स के जो एग हैं वो फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं। अगर वो अनफर्टाइल होंगे आप वो एग उठाएं, उठा के फेंक दें, ज़ाया कर दें, आपका बर्ड दोबारा एक दे देगा, इससे आपका टाइम बचेगा। आपको 21 दिन 25 दिन या बहुत से लोग 30 दिन तक भी इंतज़ार करते हैं, आपको 30 दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कैंडलिंग से आपका टाइम बचता है। अब कैंडलिंग करते कैसे हैं? कैंडलिंग ऐसे करते हैं कि लाइट लेते हैं, लाइट को एक पे मारते हैं, उसके अंदर आपको एम्ब्रियो नज़र आ जाता है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपके बर्ड का एग फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, या वो डेड इन शेल हो गया है, या उसके अंदर चिक्स सही सलामत है। एक कैंडलिंग के लिए आपको अंधेरे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप अंधेरे में एक पे लाइट मारेंगे तो आपको एक के अंदर का बिल्कुल साफ नजर आएगा।
तो आइए हम कैंडलिंग आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लाइट बंद करेंगे। चलें दोस्तों, अब कैंडलिंग का अमल शुरू होता है। देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 6 एग हैं हमारे पास और इन अंडों को दिए हुए कम से कम 7 दिन हो गए हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन से अंडे फर्टाइल हैं, कौन से अनफर्टाइल हैं और कौन से गेटिंग शुरू हुए। सबसे पहले हम अंडा लेंगे, रोशनी मारेंगे। ये आप देखें, ये नीचे से थोड़ा येलो येलो है, ऊपर से थोड़ा ये डार्क कलर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अंडा फर्टाइल है, उसमें एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया है। हम दूसरा अंडा लेंगे, आप ये देखें, ये भी ऐसे ही है, इसमें भी एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, यानी ये भी फर्टाइल है। आप ये लेंगे, ये देखें, ये जो एग है, ये देखें, ये तकरीबन पूरा पीला है, तो यानी कि ये एग अनफर्टाइल है। इसको हम रख देंगे साइड में। ये देखें, ये जो एग है ये भी अनफर्टाइल है। ये देखें, इसके अंदर की धरती बिल्कुल हिल रही है, तो ये भी अनफर्टाइल है। ये देखेंगे, ये एक देखें फर्टाइल है, इसके अंदर आपको वेंस भी इधर नज़र आ रही होंगी, यहाँ के यानी कि इसके अंदर चिक्स बनना स्टार्ट हो गया। ये देखें, ये वेंस नज़र आ रही है। ये एक लेंगे, इसको चेक करेंगे, इसके अंदर भी देखें चिक्स बनना स्टार्ट हो गया है, ये भी फर्टाइल है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो गया कि एक की कैंडलिंग कैसे की जाती है, एक की कैंडलिंग क्यों ज़रूरी होती है, कैंडलिंग होती क्या है और कैंडलिंग कब करते हैं, ये सारी मालूमात आज की वीडियो में आपको मालूम हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल SZAvery को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।